हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वापस बाड़मेर में, मैं ये आप पीछे देख रहे होंगे श्री जोधपुर स्वीट्स होम में मैं आई हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ के स्वीट्स का भी मैं आपको टेस्ट कराती हूँ। हालांकि मैंने दो स्ट्रीट फूड बना दिए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ की मिठाई का भी आपको टेस्ट कराऊँ। तो चलिए अंदर ओनर के पास और मैं यहाँ पर स्वीट्स देखती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे भैया हैं, इस ओनर हैं, आपकी शॉप है। हाँ, क्या नाम है आपका? हरीश कुमार। बना हरीश कुमार। तो हरीश जी, आप बताएंगे आपकी शॉप कितनी पुरानी है? ये हमारी कम से कम 30 साल पुरानी शॉप है। ये नई ओपन की, इसको 3 साल हुए। अच्छा, आपकी मतलब बाड़मेर में 30 साल पुरानी थी, मगर आपने दूसरे ब्रांच खोला है और ये 3 साल पुरानी है। बहुत अच्छा। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ आपकी शॉप की सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? हमारे यहाँ जलेबी है, उड़द दाल के लड्डू है, मावा कचौरी, आलू प्याज कचौरी, समोसे। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेल आउट होता है? समोसा बहुत ज़्यादा निकलता है। अच्छा, समोसा ज़्यादा होता है। ओके, वेरी गुड। तो आप यहाँ पर देखेंगे कई वैरायटीज़ के यहाँ पर आपको मिठाई दिख रही होगी। तो भैया यहाँ पर ये बताएंगे कि यहाँ पर कोई बाहर से लोग भी यहाँ पर परचेज करके क्या ले जाते हैं? ज़्यादातर यहाँ मेसू और हींग की नमकीन लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ की हींग की नमकीन बहुत ही फेमस है। और मैसूर की क्या बताया? मैसूर पाक बेसन और घी से बनता है। तो यहाँ मैं बाड़मेर आई हूँ, तो मैं ये ज़रूर टेस्ट करूँगी और मैं बताती हूँ आगे आपको। शॉप में और भी स्वीट्स दिखा देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कई वैरायटीज़ के। और आपको एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि पहले भी मैंने वीडियो में बता रखा है कि ये पाकिस्तान से 100 किलोमीटर ही है। यहाँ से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो 100 किलोमीटर ही है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा रश है। ये बाड़मेर छोटी सी जगह है, बट यहाँ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर इन बाड़मेर। सो यू कैन सी लॉट्स ऑफ स्वीट्स आर हेयर। तरह तरह की मिठाइयाँ हैं यहाँ पर। आप देखेंगे कि हर तरह की वैरायटीज़, कलरफुल मिठाइयाँ, नमकीन भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए अभी आपको मैं गरम गरम जलेबी जो बन रही है, और मैं भी ट्राई करूंगी जलेबी बनाना। हालांकि मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है जलेबी कैसे बनती है, तो मैं खुद बनाकर आपको बताऊंगी कि जलेबी कैसे बनती है। तो चलिए मैं कैमरामैन से कहती हूं कि आप चलिए उधर और जलेबी के कढ़ाई के पास, और वहां पर मैं बताती हूं। हाँ भैया, तो ये यहाँ पर जलेबी बना रहे हैं। आप इसको बैटर इसके अंदर डाल दीजिए और मैं है ना बताती हूँ। यस, जलेबी का घोल है, अब इसको मैं डालूँगी इसके अंदर। हालांकि मेरे व्यूअर्स ने देख रखा कि मैं जलेबी बनाती हूँ, तो आज मैं आपको शॉप में ही बताती हूँ। ये आप देखेंगे, हालांकि थोड़ा बड़ा बड़ा बन रहा है, मगर मेरे ख्याल से परफेक्ट है। यहाँ के लोग बताएंगे मेरे को कैसे बन रहा है। अगर आप तो ये मैंने बना दिया है और इसको टर्न कर देते हैं। टर्न करने के लिए मेरे ख्याल से ये है, और इसको इस तरह बिल्कुल इस तरह आप देखेंगे। पतली पतली जलेबी बनी हुई है, तो थोड़ा सा ये लाल हो गया है, और इसे मैं अंदर डाल देती हूँ। निकाल लूँ भैया सब? निकाल लूँ? हाँ हाँ, चाशनी में ही डल रही है। बिल्कुल, आप मेरे को अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ तब से। आप मेरे को बता रहे हैं कि चाशनी में डालिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही पतली बन गई है, पता नहीं इतनी पतली कैसे बन गई। तो ये बिल्कुल बन गई है, और ये इस तरह ये बनने के बाद अब आप देखेंगे। ये अब आप देखेंगे, मैंने इसे बनाया है और मैंने इसे चाशनी में डाला है, तो अब इसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। मेरे ख्याल से ठीक ही बना, अच्छा बना। क्यों भैया, ठीक बना? ओके, ओह थैंक यू।
तो मैंने यहाँ पर जलेबी बिल्कुल बना दी है बाड़मेर में आकर, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो भैया आप कुछ बाड़मेर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बाड़मेर कैसी जगह है, क्या है, आप कुछ बताना चाहेंगे? बाड़मेर कैसी जगह है, यहाँ पर लोग कैसे हैं? बाड़मेर बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ के लोग शांत फुल है, नेचर यहाँ का बहुत बढ़िया है। अच्छा। और यहाँ देखने लायक चीजें हैं, एक तो वीरात्रा माता मंदिर है चोटन के पास में। अच्छा। और क्या नाम है, केराड़ू मंदिर है। अच्छा। वो भी काफी पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। अच्छा। देखने लायक जसदेव तालाब धाम देखने लायक है यहाँ पे। तो ये भैया ने बता दिया कि यहाँ बहुत सारी चीजें देखने के लिए, तो मैं अपने व्यूअर्स यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आप जब भी बाड़मेर आए तो यहाँ पर ये जगह विजिट करें, और ये भैया की जो श्री जोधपुर स्वीट्स है वो वहाँ विजिट जरूर करें। तो होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं एक बार अभी टेस्ट नहीं किया है, मैं कुछ टेस्ट कर लेती हूँ, जो जलेबी मेरे को पसंद है, या भैया आप थोड़ी सी कोई मिठाई मेरे को टेस्ट कराइए। वो मैं एंड कैसे कर सकती हूँ, बिना टेस्ट किए तो मैं तो एंड करूँगी नहीं। तो भैया मेरे को आप बिल्कुल सर्व करो, मैं बाहर से आई हूँ बताती हूँ भैया। मैं लखनऊ से आई हूँ। कोई स्वीट दे दीजिए ना, कोई एक जो यहाँ का फेमस है मिठाई, एक ही पीस देना बिल्कुल, थोड़ा सा दो आप और मैं वो टेस्ट करती हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को। यस, ये देखिए यहाँ का ये मैसूर पाक है, तो इसे ये देखेंगे, इसके अंदर ऊपर येलो होता है और नीचे थोड़ा सा डार्क रहता है। तो मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा है। ये सॉफ्ट है, मेरे ख्याल से पूरा घी में बना हुआ, जो घी का टेस्ट है वो आ रहा है अंदर, बहुत ही ज़्यादा घी है मगर परफेक्ट है। और जाड़े का मौसम है, अभी बहुत ही ठंड पड़ रही है यहाँ पर, सभी जगह ही ठंड पड़ रही है। तो इस मौके पर आप ज़रूर यहाँ पर आए और ये मैसूर पाक जो भैया ने दिया है वो टेस्ट करें। होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बाड़मेर वासियों के लिए बाय।